पहला एपिसोड में इन्होंने लगभग लगभग जो क्रिप्स मिशन आया था भारत पे, है ना। तो सबसे पहले देखो सर्च करना है इसमें राजसभा टीवी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 10 एपिसोड आपको ये मिल जाएंगे संविधान के, और ये 10 के 10 एपिसोड आपको हर हालत में देखना है, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। देखिए महात्मा गांधी है ये, और ये व्यक्ति बड़े फेमस हैं, महात्मा गांधी का रोल इन्होंने बड़े बखूबी निभाया है। तो ये क्रिप्स मिशन जब आया था उसके बारे में, मतलब संविधान निर्माण से संबंधित पहला वीडियो है आपका, संविधान कैसे बना, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, वही सब बातें हैं, और इन बातों को आप विजुअली आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, जहन में बस जाएगा, ठीक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उसका पहलू है, क्रिप्स मिशन असफल हुआ तभी तो भारत छोड़ो हुआ, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, और इसके बाद जो है आपका ये बेबल प्लान हुआ था, बेबल योजना हुई थी, क्रिप्स मिशन आके गांधी जी से मुलाकात किया, ठीक है, वो सब पहलू इसमें एक एक करके देखिए। बेबल प्लान चल रहा है, शिमला समझौता, शिमला में बैठक चल रही है, इधर जिना जी बैठे हैं और इधर कांग्रेस में मौलाना आज़ाद बैठे हुए हैं, बाकी के प्रतिनिधि हैं, देखिए जिना साहब हैं, ये मौलाना आज़ाद हैं सामने, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, है ना, लगातार 5 साल रिकॉर्ड है इनका, लगातार 5 साल यदि कोई अध्यक्ष रहा। ये जिना साहब हैं, अपने ही गुरूर में रहते थे, और ये अपने आप को मुसलमानों का भारत में प्रतिनिधि समझते थे एकमात्र, ठीक है, जबकि मौलाना आज़ाद भी मुसलमान ही थे, और उस कारण से ये देश का विभाजन, बहुत सारी बातें हुई इसमें। खान अब्दुल गफ्फार खान भी बैठे हुए हैं, सीमांत गांधी बोलते हैं ना उन्हें, फ्रंटियर गांधी, ये हैं आपके पटेल साहब हैं हमारे, ठीक है, नेहरू हैं, मतलब सारे, लियाकत अली खान है ये, तो आपको जैसे ही करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे लिख जाएगा, नीचे नाम भी लिखता है। तो एक बार ये सब चीज़ें ना आपको जहन में बैठाएंगी, भाषा शैली सब कुछ अच्छी है इसमें, ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को ओवरऑल मिल जाएगा। गांधी जी चाहते थे कि देश बटे ना, देश का विभाजन ना हो, लेकिन गांधी जी के सुनता कौन था, वो समय चला गया था जब गांधी जी की भारत में चलती थी, आज़ादी के समय तो कम से कम नहीं चली, बंटवारे के मामले में नहीं, गांधी नहीं चाहते थे कि देश विभाजित हो, ठीक है। और विभिन्न पहलुओं को देखने सुनने समझने के बाद सब इसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि देश विभाजित हो जाए, है ना। माउंटबेटन प्लान के बाद तो तय ही हो गया पूरी कहानी, और गांधी ये देखिए सभा छोड़ के चले जाते हैं लास्ट में, सोचते हैं कि अब मेरी ज़रूरत नहीं रही आप लोगों को, है ना, प्यारे लाल रहता है उनका, उनका सहयोगी। तो इसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होती है, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है कि भारत आज़ाद करो, नहीं डायरेक्ट एक्शन करा देंगे आपको, है ना। तो वो सारी पहलू हैं, अभी इसे बहुत अच्छे से आप देखोगे, देश में हिंसा होगी, बहुत बड़ी हिंसा कराते हैं ये दंगों का, बहुत बड़े स्तर पे दंगे हुए थे। गांधी जी फिर कोलकाता में थे, देखिए ये स्थिति थी कोलकाता की। तो एक एक पहलू दिखाया जाएगा इसमें, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये एपिसोड्स आपको देखना है। तो पहले एपिसोड से ये हैं देखिए, फ्रंटियर गांधी, ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, उस समय की तस्वीरें भी ली गई हैं, जो उस समय जो भी आपके पास वीडियो वगैरह अवेलेबल थे वो भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया इन लोगों ने, तो अच्छा है, ठीक है। इसके बाद ये जो एपिसोड नंबर 2 है इसका, ये भी बेहतर है, इसमें आपका शायद एक बार देखते हैं क्या क्या टॉपिक है इसमें, अपने समय को बचाना है, हाँ लगाइए। ये अंबेडकर हैं, पहली बार संविधान सभा में अंबेडकर का रोल बहुत बाखूबी निभाया है, और इन्होंने फॉरगेटन हीरो सुभाष देखी हो तो सुभाष चंद्र बोस का जानदार लगेगा, सुभाष ऐसे थे, है ना, ये बड़े ज़बरदस्त, मतलब मानना पड़ेगा इनका, मैं भी बहुत कायल हो गया इस अंबेडकर के रोल के बाद। तो अंबेडकर की भूमिका इन्होंने निभाई, संविधान कैसे बनेगा उन सब पहलुओं पर चर्चा हुई, ठीक है। ये देसी रियासतें थी, प्रिंसेस थे, ये कहते थे कि नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी है कैसे देश का एकीकरण हुआ, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, प्रिंसली स्टेट को कैसे संविधान सभा में मनाया गया, इन सब पहलुओं पे चर्चा हुई। और ये संविधान सभा की बैठक हुई थी, पहली बैठक, है ना, संविधान सभा, बड़ा खुशनुमा माहौल मतलब रहता था, हर तरह के लोग थे, चर्चाएं होती थी, और संविधान सभा को बड़े नज़दीक से देख पाओगे आपकी कंस्टिट्यूशन, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, ठीक है,
सारे प्रतिनिधि आप सबको एक बार, मतलब ये क्या होगा ना, आपको जुड़ाव जब आप बोलोगे समझोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं संविधान पढ़ाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सबको देख सुन के, ठीक है, एक एक पर्सन के बारे में आप जान पाओगे कि एक एक पर्सन क्या सोच रखता था, कैसे करता था। बहुत कम शब्दों में ज़्यादा दिखाया गया, जीना साहब हैं आपके ये, ठीक है, इनका अपना ही टसन था। तो ऐसे करके पूरा ये है, ये आपके केटी शाह हैं, ठीक है, केटी शाह बहुत ही। आपको एक चीज़ ज़रूर क्लियर होगी कि भारतीय का संविधान एक आदमी ने नहीं बनाया, हम सब ने वास्तव में बनाया है। जो एक होता है ना कि अंबेडकर साहब ने बनाया है, बिल्कुल उनका सहयोग है, लेकिन अंबेडकर साहब ही जी ने ही नहीं बनाया, हम सब ने बनाया है। ये सब पूरा डिबेट में कैसे कैसे पूरी भूमिका रही, क्या क्या बातें रहीं, ये सब ओवरऑल आप जान जाओगे, कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो आप नहीं जान पाए। ठीक है, तो ये वंदे मातरम हो रहा है। ठीक है, तो एक मर्यादित संविधान सभा थी हमारी, ये देखने को यहाँ से मिलेगा आपको। इसके बाद एपिसोड नंबर 3 संविधान सभा की बैठक हुई, क्या हुआ सब इसमें पता चल गया। और इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड नंबर 3, मतलब मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक कनेक्शन बने आपका। डेथ हुई थी किसी के, उसी का शोक दिवस है, मौन वौन और कुछ रखे हुए हैं। तो संविधान में हर चीज़ होती थी, जैसी परिस्थिति यहाँ पे देखिए, ये सेंट्रल हॉल में आज भी ऐसे ही पंखे हैं, यदि आप संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जाएंगे तो सेम ऐसा ही है पूरा, आज भी वैसे ही बना के रखा गया। सेंट्रल हॉल अलग चीज़ है, ठीक है, ये उस टाइम का देखो कैसे सिस्टम था, उसी टाइम का ऐसे दिखाया गया, आज भी सेंट्रल हॉल पर चीज़ें हैं। जो सदन देखते हो, सदन अलग चीज़ है, एक केंद्रीय कक्ष है, वहाँ की बात है ये। ठीक है, देखो पहले झंडा हमारा कैसा था, ये चरखा, पीछे गांधी जी है ना, गांधी जी के जस्ट पीछे ये झंडा था भारत का, बाद में चेंज होगा। और हंसा मेहता द्वारा संविधान सभा को एक झंडा दिया जाएगा, और जो 15 अगस्त को लाल किला में फहराया गया था, है ना, महिला मोर्चा द्वारा दिया गया था वो झंडा। तो ये कौन है, कृपलानी साहब हैं अपने, बड़े सुलझे हुए आदमी। ठीक है, इससे क्या ना, एक एक पर्सनालिटी जो आपके एक सिलेबस में है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सिलेबस में है, हिस्ट्री में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो एक एक व्यक्तित्व जो देश की आज़ादी और संविधान के निर्माण में रहा, उसको जानोगे और बहुत गहराई से समझोगे यदि आप थोड़ा बारीकी से। इसके अलावा पर्टिकुलर एक एक पर्सनालिटी के ऊपर मूवियाँ भी बन चुकी हैं, तो मैं वो भी रिकमेंड करूँगा कि वो भी आप देखिएगा, उसका एक अलग महत्व, अलग ही आपको मतलब कुछ तो मिलेगा उसमें, कुछ तो समथिंग स्पेशल है। ठीक है, मैं रिकमेंड करता रहूँगा कि आप ये मूवी देखें, ऐसे देखें, और यदि कभी रिफ्रेशमेंट करना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। कहाँ चले जाएंगे, यहीं पे बनाएंगे पूरी व्यवस्था, है ना, सब व्यवस्था हो चुकी है। ठीक है, अभी इसे चालू कर दिया जाए ना तो आपको लगेगा हाँ होम थिएटर्स पूरा कंप्लीट है। तो यहाँ पे यदि लगेगा, और बाकी ज्योग्राफी में पूरी आपकी डिजिटल पढ़ाऊँगा, अब ज्योग्राफी में, अब वो जो पहले हाथ से बनाना पड़ता था सब कुछ नहीं, डिजिटल ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, एक एक वीडियो दिखाऊंगा, यदि भूस्खलन होगा तो पहले देख लो, ऐसे होता है, है ना, मृदा अपरदन होता है तो ऐसे मृदा अपरदन होता है, ये पूरा प्रक्रिया है। ठीक है, मेरे पास सारे PPT मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, बना लिए हैं, रात दिन उसी पे लगे हुए हैं, तो ज्योग्राफी भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री में भी कुछ रिकमेंड करने वाला हूँ, अब इसका मतलब नहीं, ये सब देखना है, हिस्ट्री में तो बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, पूरा इतिहास के वीडियो बने हुए हैं आपके, श्याम बेनेगल जी ने ही बनाया है, तो जब उसे देखोगे और फिर आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता ये पढ़ोगे तो आप ज़्यादा समझोगे। ठीक है, तो ये क्या है, आइडियो विजुअल तरीका है पढ़ाई करने का, ये 10 के 10 एपिसोड आपके अंदर संविधान को इनबिल्ड करेंगे। अम्बेडकर साहब वास्तव में अलग ही पहचान है, इनका अलग ही व्यक्तित्व है, अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाया गया। हाँ, अभी मैंने इसमें वो है ना, गोविंद वल्लभ पंत अपने, वो नहीं दिखे, ये कौन थे, कौन है ये, महावीर त्यागी, जब भारत का 1962 में युद्ध हुआ था चाइना के साथ, ठीक है, नेहरू जी को बहुत बढ़िया इन्होंने जवाब दिया था, नेहरू जी ने क्या कहा था, अरे वो तो बंजर जगह है, चलो ले गए तो, हाँ सिर वाला यही थे महावीर त्यागी, बहुत कठोर, बल्कि बुलेट टू बुलेट बात करते थे, ये बोलते थे आपका सर भी तो बंजर हो गया है, इसे भी दे दीजिए, है ना,
ऐसा बोल रहे हैं, देश के सर को बोल रहे हैं बंजर हो गया है ना, मेरे भी सर में खेती नहीं उग रही है, मुझे भी दे दीजिए, यही बचा था सुनने को आपसे, है ना। तो वही सारी है, बहुत अच्छे अच्छे संविधान सभा में लोग बहुत अच्छे थे। देखो कि महिलाओं की क्या भूमिका रही संविधान सभा में, महिला से ये कौन है, के एम मुंशी साहब, वैसे तो आप इनको दूसरे रूप में देखते होगे, कॉमेडी वगैरह करते हैं ये, है ना, कपिल की कॉमेडी में भी हैं और भी कॉमेडी सर्कस में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे के एम मुंशी का बहुत संजीदा रोल अदा किया इन्होंने और बहुत बहुत बड़ी इनकी भूमिका है, ठीक है। इसके बाद आपके हैं, ये पूरा एपिसोड है, इसमें संविधान की ड्राफ्टिंग वगैरह के बारे में चर्चा है कि संविधान ड्राफ्ट कैसे किया गया। ये जनजातीय नेता, ठीक है, जनजातीय नेता बकायदा कोट पैंट में, ऐसे नहीं जनजाति अपने जनजाति कल्चर पे आ गए, नहीं, बकायदा कोट पैंट में संविधान सभा में जा रहे हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, लोग बड़ा सज धज के आए थे अपने घर से कि संविधान सभा की पहली बैठक, हाँ, नए नए कपड़े खरीद के, होता है ना जब कहीं नई जगह। अब देखो ये कमेटीज़ थी बहुत सारी संविधान सभा की, कमेटीज़ के अंदर डिस्कशन होते थे, ठीक है, ये डिस्कशन होते थे बहुत सारे और बड़ा खुशनुमा माहौल होता था। ये राजगोपालाचारी साहब देखे, मस्त मदमस्त आदमी थे। ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, और ये आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में सब आके जाके बैठते थे। देखिए अपने वायसराय साहब को बकायदा चश्मा में रहते थे, ये पटेल साहब हैं, ठीक है। तो बड़ा डिस्कशन बड़े बड़े गहरे मुद्दों पर हुआ है, तब कहीं जाके संविधान बना है, ऐसे नहीं हुआ कि ऐसे आसानी से बना दिया गया। फिर यहाँ डिस्कशन हुआ इस सभा में, राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है, बहुत गौर से सुना जाता था एक एक सदस्य को, एक मर्यादित संविधान सभा के रूप में। देखिए महिलाएं रेणुका राय हैं, तो महिलाएं भी थीं संविधान सभा में, उन्होंने भी व्यापक भूमिका निभाई है इन सब चीज़ों पे। तो ये भी आपको सारे क्रमबद्धता से बांध लीजिए, एक घंटा खाने खाने के समय पे या किसी इस समय पे, जिस समय पे आपको लगे कि हाँ इंटरटेनमेंट चाहिए, बनता है इंटरटेनमेंट, तो इंटरटेनमेंट ये कर लीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि परफेक्टली, मेरे हिसाब से टाइम निकाल के आप नोट्स भी बना सकते हो यदि आप चाहो तो एज यू विश, बाकी ज़बरदस्ती नहीं कुछ भी, इसका कोई वो नहीं है, बस ऐसे ही देखो स्टोरी के रूप में याद हो जाएगा। देश की कहानी है, देश के संविधान की कहानी है, तो उसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं जहाँ तक, ठीक है। ये देखो बढ़िया लड़ाई चल रही है ना संविधान सभा में, होती थी ये भी स्थिति आई है संविधान सभा में, ठीक है। वो देखिए कह रहे हैं आप बैठ जाइए, वो बोल रहे हैं नहीं बैठेंगे, देखिए कैसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, देखिए देख रहा है इनका आवेश, देखिए देखिए आप ही हैं जिम्मेदार जो मुझे बैठाना चाहते हैं, लिपसिंग कर रहा हूँ मैं, नेहरू जी आगे कि क्या कर रहे हैं आप ऐसे, ये सब संसद भवन में होगा बाद में, आने वाले समय में ये देना है। देखिए नेहरू साहब अकेले में डांट रहे हैं उनको सबके सामने, अभी मुद्दा देखिएगा, मैं इन सबको बताऊंगा नहीं आप लोगों को, बड़ा मतलब कि क्लास लग गई संविधान सभा के आगे, किसकी क्लास लगी, भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री, है ना, जब वो आके बोलेंगे ना तो सुनना पड़ेगा आपको। फिर देखो कमेटीज़ में फिर चर्चाएं होती थी, क्या क्या एक एक टॉपिक पे, फंडामेंटल राइट्स पे चर्चा हो रही है, एक एक टॉपिक पे चर्चा होती थी, केंद्र राष्ट्र संबंध, केंद्रों को क्या क्या दिया जाए, इस सब पे भी चर्चा हुई बकायदा, ठीक है, और सब खुल के बोले, कोई किसी तरीके का नहीं, ऐसे थोड़ो ना है कि ये संविधान अब जिंदा है 70 साल से लगातार अपने आप को बदलता जा रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ठीक है, मुखर्जी नगर इन्हीं के नाम पे, यही वो आदमी है, इनको पता नहीं है इनके नाम से एक गढ़ बन जाएगा जहाँ से देश के प्रशासक निकलेंगे। तो ये भी हैं, ये बी एन राव जी भी हैं, शुरुआत में बी एन राव को भी दिखाया गया इसमें। इसके बाद जो है आपका ये हैं आपके मौलाना आज़ाद, इन सब पे पर्सनल भी मीटिंग होती थी, अपना घर जा जा के भी चर्चाएं हो जाती थी कभी कभी। देखिए ये संविधान की किताब, कौन सा प्रकाशन है, ये ओरिजिनल प्रति की फोटोकॉपी है, बेयर एक्ट ही है आपका, पीएम बक्सी की एक बुक आती है, अच्छी बुक है वो, लेकिन वो आप लोगों को नहीं पढ़ना।
यह है स्थानीय सुशासन पे बहस चल रही है, पंचायती राज व्यवस्था। इससे हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। संवैधानिक भाषा का प्रयोग है ना, एक तरीके से गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं ये, तो सोर्स बहुत अच्छा है। ये बहुत कॉमेडियन पर्सन था, कह रहे कॉमेडी कॉमेडी में बड़े गंभीर मुद्दे उठाते थे ये। ठीक है, ये एस सी मुखर्जी साहब हैं आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, एस सी मुखर्जी साहब उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और बहुत सारी कमेटी ऐसी थी जिनमें राजेंद्र प्रसाद जी खुद अध्यक्ष थे। मैंने लिखवाई हैं बहुत सारी कमेटीज़, राजेंद्र प्रसाद जी उसके खुद अध्यक्ष थे। तो ये सारी कमेटीज़ हैं। इसके बाद अल्पसंख्यक मामले में जैसे कि मुस्लिम लॉ रहेगा या हिंदू लॉ रहेगा, शरीयत रहेगी। ठीक है, एक और विवाद हुआ था संविधान में, क्या शराबबंदी को लेके, उसमें लड़ाई किनके किनके बीच में हो गई, पीने वाले और ना पीने वालों के बीच में। पीने वाले बोले स्वास्थ्यवर्धक होती है, जनजातियों में क्या होता है, जनजातियों में तो लोग पीते हैं है ना, वहाँ पे आप कैसे बंद कर देंगे, उनका कल्चर पे है। तो पीने वाले आके खड़े हो गए कि नहीं होना चाहिए, संविधान में ये प्रावधान होना चाहिए कि पीना चाहिए है ना। इस पे बकायदा बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ है और बाद में उसको राज्य के नीति तत्व तो थे ना उसमें ऐड किया गया है ना, कि क्या किस लिए जो है इनको मादक पदार्थों के सेवन को हमें बंद करना है, ये राज्य जैसे नीतियाँ बनाएगा। तो उस डिस्कशन में अच्छी डिबेट आपको सुनने के मिलेगी। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट में 10 के 10 वीडियो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, ये आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे ज्ञानवर्धन होगा और आप कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से पाएंगे, मोटिवेशन आएगा, देश के प्रति जुड़ाव आएगा, संविधान के प्रति जुड़ाव आएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर आप देख लीजिएगा, संविधान का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इससे बस जानोगे संविधान से जुड़ाव आएगा कि संविधान है क्या चीज़ वास्तव में। ठीक, तो ये देखना है, वीडियो मिल जाएंगे है ना, जाना है RSTV कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको डाउनलोड सर्च करेंगे तो आपको ये पूरी हिस्ट्री खुल के आ जाएगी 10 वीडियो की। ठीक, इसके बाद रिकमेंडेड वीडियो मत नीचे देखने लगिएगा, यही दिक्कत है इसमें, नीचे पता चला आपको जो सीरियल बहुत पसंद है उसका एपिसोड है ना जो मिस हो गया था वही दिखा रहा है, बोले अभी रुक जाओ 2 मिनट, संविधान बाद में भी हो जाएगा है ना, पहले ये सीरियल कंप्लीट करते हैं। लोग बहुत सीरियल, महिलाओं का तो नाम है, ज़्यादा तो पुरुष देखते हैं, सही बात है ना, कोई कैसे कैसे वीडियो देखते हैं अब क्या बताएं, कैसे कैसे सीरियल देखते हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी, और महिलाओं को बदनाम किया जाता है, बच्चे बालवीर देखते हैं है ना। चलिए ठीक है, फिर इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, हमारा टॉपिक क्या है।